हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटो चटनी की रेसिपी। आप ये चटनी चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं, तो चलो बनाते हैं टमाटो की चटनी। तो सबसे पहले हमने पानी ले लिया है, फिर मैंने 5 टमाटो लिया है। आप अपने हिसाब से जितना चटनी बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। फिर धनिया पत्ता और 3 प्याज लिया है, 2-3 सूखी मिर्च लिया है, 2-3 हरी मिर्च लिया है, 4-5 लहसुन की कली ली है, और इसे हम अच्छे से धो डालेंगे। और आप प्याज अगर खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो फिर हम टमाटो को ऐसे दो दो हिस्से में काट डालेंगे। देखो, ऐसे सारे टमाटो को काट डालेंगे और फिर गैस में पैन चढ़ाएंगे। देखो, मैंने सारे टमाटो को ऐसे 2 भाग में कट कर दिया है और फिर गैस में पैन भी चढ़ा दिया है। तो ये चटनी हम सरसों की तेल में बनाएंगे। तो देखो, हमारा पैन भी गर्म हो गया है और मैंने सरसों की तेल इसमें डाल दिया है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए, हम सारे टमाटो को एक एक करके इसमें डालेंगे। देखो, मैंने सारे टमाटो को इसमें डाल दिया है। फिर हम इसमें सूखी मिर्च डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर हम इसे 5-7 मिनट के लिए ऐसे ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। तो 5-7 मिनट के बाद देखो, हमारा टमाटर थोड़ी थोड़ी गल गया है। इसका ऊपर का हिस्सा, जो इसका छिलका है, अभी हम इसे ऐसे निकाल देंगे। सारे टमाटर के छिलके निकाल देंगे। फिर हम इसमें करी पत्ता, ताजी वाली, इसमें डाल देंगे। पहले से डालना था, मैं भूल गई थी, तो अभी डाल रही हूँ। आप पहले से भी डाल सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे पटाटो मैशर लेंगे और ऐसे दबा दबा के सारी टमाटर को ऐसे मैश कर देंगे अच्छे से। अच्छे से सारे टमाटर को मैश करने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे इसकी कलर बढ़ा लुक्स को अच्छे दिखाने के लिए। फिर हम इसमें सूखी मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे। पहले से तो हम बहुत सारा मिर्च डाले हैं। आप अगर ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते हैं तो मत डालिए। फिर ऐसे सारे चीज़ों को मिला देंगे। और दोस्तों, इसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने जो लिया था 3 प्याज, उसको हम बारीक काट के छोटे छोटे टुकड़े में इसमें डाल देंगे और हरी धनिया को भी इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिला के हम अभी सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी को मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye bye. Thank you. Happy cooking.